नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ निचली अदालत में दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ने 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे के अनुसार अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता है और उच्च न्यायालय ने भी सभी कारकों पर विचार किया है और एक निश्चित फैसला सुनाया है। एजेंसी ने कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है जो उनके पास मौजूद सबूतों के आधारित है। ईडी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि आम आदमी पार्टी जो घोटाले की आय की मुख्य लाभार्थी थी ने केजरीवाल के माध्यम से ही अपराध किया था। ईडी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हर तथ्य पर विचार किया और आदेश का विरोध करने वाली याचिका में कोई योग्यता नहीं है। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है। हलफनामे के अनुसार दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क धोखाधड़ी की योजना बनाने और उसे अंजाम देने की साजिश रची है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही है क्योंकि आबकारी नीति 2021-22 बनाने में अरविंद केजरीवाल का सीधा हाथ है। ईडी के अनुसार अरविंद केजरीवाल और आप मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए जिम्मेदार है जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 की धारा 70 के तहत आता है। जांच एजेंसी ने बताया कि दिल्ली से आपराधिक कमाई का प्राथमिक प्राप्त करना एक्साइज फ्रॉड है। आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करते हैं जैसा कि गवाह के बयान से स्पष्ट है। वह आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। हलफनामे के अनुसार जांच एजेंसी ने बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़े पैमाने पर सबूतों से छेड़छाड़ करने के बाद हिरासत में लिया गया था जिसमें घोटाले के दौरान और अनियमितताओं के उजागर होने के बाद लगभग 170 सेलफोन या लगभग 170 सेलफोन को नष्ट करना भी शामिल है। ईडी ने तर्क दिया है कि अरविंद केजरीवाल की कानून के प्रति स्पष्ट अवहेलना ने उनकी गिरफ्तारी को उचित ठहराया है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।